अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? और यहाँ पे शाम का टाइम है, शाम के टाइम यहाँ पे मैंने गेहूँ धुले थे, फैलाए थे, तो मुन्नी से कहा थोड़ा सा उसको बटोर दो, इकट्ठा कर दो, उसके बाद मैं इसको ले जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम का व्यू मेरे छत पर से कितना प्यारा दिख रहा है, और बिल्कुल चारों तरफ हरियाली है। बारिश तो हो ही नहीं रही है कि धान की रुपाई भी नहीं हुई है, इस साल बहुत कम हुई है। और यहाँ पे देखिए बादल छाए हुए हैं, बदली, लेकिन बारिश नहीं होती है हमारे यहाँ। बस ऐसे में बस दो दिन, इतनी बरसात का मौसम, ये इसको बोलते हैं बरसात का मौसम इस महीने को, लेकिन बरसात तो बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल सूखा ही पड़ गया इस साल। तो यहाँ पे देखिए तालाब, ये तालाब नहीं गड्ढा, उसमें भैंस भी नहा रही है। और यहाँ पे बगीचा है और बहुत प्यारा दिखता है यहाँ से। कभी कभार छत पे आती हूँ तो यहाँ से मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गेहूँ वगैरह इकट्ठा हो गए थे, बटोर के उठा लिए थे मुन्नी और मैं मिल करके। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं, और उठा लेने के बाद ना चलेंगे नीचे, और जो शाम का रूटीन है वो हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और बता भी दीजिएगा। और आप लोग बताते नहीं हो, वापस ले लेते हो। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, और यहाँ पे देखिए रोटी बनेगा, और यहाँ पे आलू की भुजिया बन रही है। देखो सिंपल सी आलू की भुजिया, ये देखिए। आलू की भुजिया बन रही है, और तो यहाँ पे रोटी बनेगा, और ये यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? और मेरी हमेशा यही दुआ होती है, मृत्यु नाम देखने वाले जहाँ से भी हमको देख रहे हैं, खेरो आप एक के साथ रहिए और अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो तो हमने शाम से स्टार्ट किया था, और अभी टाइम हो चुके हैं शाम के 7 बज चुके हैं, और हमारा जो खाना है वो भी बन चुका है। खाना मेरा बन चुका है, आलू की भुजिया और रोटी। और तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा, और फिलहाल आप सब कैसे हो बताना जरूर। मैं तो फिलहाल अभी कुछ ठीक हूँ, कुछ नहीं भी ठीक हूँ, और फिलहाल पहले से बहुत ठीक ठाक हूँ। तो अभी हमको हमारा जो खाना है ना, अभी हमारा आधा अधूरा बना है, तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ बनाएंगे, और तो वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आप लोग मेरे वीडियो को देख सको। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आप सभी से। ओके सो फ्रेंड्स, तो हमारा तो खाना बन चुका था, मैंने सिंपल से खाना बना दिया था, आलू का भुजिया और रोटी मैंने बना दी थी शाम के टाइम। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मटन आ गया था, तो हस्बैंड ला दिए थे मार्केट से। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसका मैं दो प्याज़ा बना देती हूँ, बिल्कुल सूखा भुना हुआ अच्छा लगता है। मसाले तो हम लोग बहुत खा रहे हैं, इसकी वजह से मैंने बस प्याज और हरी मिर्च और अदरक लहसुन डालकर मैंने सिर्फ उसको भून दिया था, तो अच्छा बना था। तो बस, और आप लोग जानते नहीं हो, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर होती है, सारा काम करना, घर के जितने भी होते हैं ना सारे काम मुझे ही करने होते हैं। जब कोई भी काम हो, XYZ कोई भी काम हो ना, मुझे ही करने होते हैं, और कोई करता भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो, बस देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, बस हल्का सा सॉटे कर लिया है, हल्का सा आधा कच्चा पक्का मैंने मिर्च और प्याज को पका लिया है, और बस इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मटन डाल दूँगी, और मटन मेरी 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो बस यहाँ पे मैं मटन ऐड कर दे रही हूँ। बस ऐसे ही अदरक लहसुन डाल करके मैं इसको भून देती हूँ, तो अच्छा लगता है ऐसे भी खाने में सूखा सूखा।
और क्या करना है। मसालेदार तो बहुत खा चुके हैं, मसालेदार खाने का दिल भी उस दिन नहीं कर रहा था तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो बस यहाँ पे ये मेरा मटन बन रहा है, तो आपसे बताना कमेंट सेक्शन में आप सब कैसे हो, और अच्छे अच्छे कमेंट करना अच्छा लगता है, आप लोग करते हो तो कमेंट में सारे आप सभी के पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे से कमेंट करते भी हो आप सब हो। और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लिया कीजिए, और न्यू अगर आते हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए बेल आइकन के साथ, और सब्सक्राइब करते भी हो तो बता दिया भी कीजिए कि आपको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बताते भी नहीं हो आप लोग और वापस ले लेते हो, तो इस तरह से न कीजिए, बता दिया कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने अदरक लहसुन कूटा हुआ था, अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है, और हाँ गरम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, तेज़पत्ते, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बस वही इसमें जाएंगे, इसी में मैंने वही सिर्फ डाला है मैंने, और कुछ भी नहीं डाला है। तो बस इस तरह से मेरा जो है मटन बन गया था। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है आप सभी को, अच्छा लगता है तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगता है। मैं तो वीडियो अच्छे अच्छे खासे बनाने की कोशिश करती हूँ, अपना डेली जो है सिंपल रूटीन शेयर करती हूँ, ना इसमें तड़क है ना भड़क है, सिंपल सा रूटीन शेयर करती हूँ, इसीलिए शायद कोई देखता भी नहीं है, इसीलिए शायद लोग देखते भी नहीं है। अगर मैं मिर्च मसाला लगा करके वीडियो बनाती हूँ तो शायद लोग देखते भी और इन्जॉय भी करते, तो वही मैं जो अपना रूटीन है वो शेयर कर देती हूँ, और क्या मैं करूँ। तो बस यहाँ पे और कुछ रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा जो मटन है, बस ऐसे ही मैं पानी उनी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करूँगी, जो लहसुन का पानी था थोड़ा सा धोकर वही मैंने डाला है, बस ऐसे ही मैं इसको भून दूँगी क्योंकि किचन नहीं चिकन नहीं मटन पानी खुद छोड़ता है, अपने पानी में ही मटन गल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मटन बिल्कुल गल चुका है, और बहुत जल्दी से गल गया था, क्या इसको बोलते हैं, ना मैंने पानी से ऐड किया ना कुछ ऐड किया, उसी पानी में बिल्कुल अच्छे से गल गया था। तो बस आज का जो ब्लॉग है मेरा यही रहेगा, और बस तो यहाँ पे देखिए खाना मेरा बन के रेडी है, रात का डिनर, और कैसा लगा आप सभी को बताना ज़रूर, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, लाइक करते हो तो हम लोग को हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो हम लोग को वीडियो बनाने का इच्छा भी पूरी होती है कि हम लोग ज़रा वीडियो अच्छे से बनाएं। तो चलिए सो फ्रेंड्स, अभी रात का वक्त है और टाइम 9 बज चुके हैं, और हम लोग का खाना वगैरह हो चुका है, तो आज का हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तो के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।